देश के लखीमपुर हिंसा मामले में जी मीडिया की कवरेज लगातार चल रही है और जी मीडिया से मामले के चश्मदीद ने सबसे बड़ी गवाही में कई खुलासे किए हैं। सुमित जायसवाल ने कहा है कि उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला किया गया, उनके ड्राइवर और दोस्त को बेरहमी से पीटा गया था। उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। चश्मदीद का यह भी दावा है कि भीड़ में जो लोग मौजूद थे वो किसान नहीं दंगाई थे और वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो तस्वीरों के जरिए आप लखीमपुर हिंसा का अपडेट समझिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वो लखीमपुर जाने की कोशिश में हैं, वहीं प्रियंका गांधी को सीतापुर में गेस्ट हाउस में रखा गया है। सुमित जायसवाल की शिकायत पर ममता मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं हिंसा के चश्मदीद ने कहा कि भीड़ ने ड्राइवर को मारा, विपक्ष कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है। लखीमपुर हिंसा में अब तक 2 FIR दर्ज किए जा चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की कोशिश पहुंचने की लखीमपुर की ये 6 तस्वीरें आपके सामने। सियासत लगातार तेज हो रही है। राहुल गांधी भी अब कूच कर रहे हैं दिल्ली से लखीमपुर जाने के लिए। प्रियंका गांधी पहले ही वहां जाना चाह रही थी लेकिन उनको फिर हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। सुमित जायसवाल एक चश्मदीद सामने आए, जी मीडिया से बात की, बताया कैसे उनको और उनके समर्थकों को लाठी डंडों से पीटने की कोशिश, जानलेवा हमला करते हुए उनको मारने की कोशिश थी। चश्मदीदों की बात सामने आ रही है, विपक्ष अपने आरोप लगा रहा है और अभी तक इस पूरे मामले में 2 ही FIR दर्ज हुई है। लखीमपुर हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। आज राहुल गांधी ने लखीमपुर जाने का ऐलान किया, हालांकि राहुल गांधी को जाने की अनुमति नहीं मिली। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खेरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है, 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाए कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाए। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। और लखीमपुर हिंसा मामले में दिन ब दिन सियासत गरमा रही है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि क्या देश में मंत्री और आम आदमी के लिए अलग अलग कानून बने हैं। नवाब मलिक ने अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव ने सिटिंग जज से जांच की बात कही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या देश का गृह मंत्री हत्या करवाएगा, लोगों को उकसाएगा, तो उनके लिए कोई अलग कानून है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? हम मांग करते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी हो और अजय मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें तत्काल रूप से मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। समाजवादी पार्टी की मांग थी कि सिटिंग जज मॉनिटर करें, जांच कोई भी करे लेकिन सिटिंग जज के अंडर जांच होनी चाहिए। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले लखीमपुर हिंसा ने विपक्षी दलों को बीजेपी सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। विपक्षी दलों को लग रहा है लखीमपुर की घटना सियासी जमीन तैयार करने का एक बड़ा मौका है। हर राजनीतिक पार्टी के नेता लखीमपुर पहुंचने की होड़ में लगे हैं। आज राहुल गांधी भी लखीमपुर जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले से ही सीतापुर में है और केंद्र और योगी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। लखीमपुर खीरी की सियासी दौड़, लखनऊ जीतने के लिए लखीमपुर की रेस। लखीमपुर पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। तमाम दलों के नेता यहां पहुंचने की होड़ में लगे हैं। विपक्षी दल एकजुट होकर यूपी सरकार को घेरने की तैयारी में है। देश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र बचा है क्या?
डेमोक्रेसी कहाँ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं, उनके साथ विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। लखनऊ रवाना होने से पहले राहुल गांधी सुबह 10 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस ने योगी सरकार को चिट्ठी लेकर राहुल के दौरे की अनुमति मांगी थी, हालांकि प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया है। राहुल गांधी के दौरे से पहले प्रशासन ने लखनऊ में 8 नवंबर तक धारा 144 लगा दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किए जाने पर विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देर शाम सीतापुर गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फोन से संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हम ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक मैं गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। प्रियंका गांधी ने को हिरासत में रख जाने पर कई दलों के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अगर आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई और प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़ा नहीं जाता है तो पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी तक मार्च करेगी। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मैं अमित शाह जी से मिला हूँ, लंबी मुलाकात हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। मैंने उनसे जो खेती बिल है उनको वापस लेने की बात की है और जो यूपी में ये कांड हुआ है उसके लिए उनको बोला है। हालांकि बीजेपी विपक्ष पर हिंसा को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने कहा है कि लखीमपुर में पॉलिटिक्स टूरिज्म नहीं होना चाहिए। देखिए जो घटना हुई है, किसानों की मौत हुई है, बाकी जो भी दुर्घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार को पूरी तरह से सरकार अवगत है वहां की परिस्थिति में, और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेता जाना चाहते हैं, सरकार का दायित्व है, उन्हें तय करना है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे, विधि व्यवस्था सम्मान्य रहे और सरकार उसके अनुकूल निर्णय लेती है। तो उस पर राजनीति करना कहां तक उचित हो ऐसे बड़े नेताओं को सोचना पड़ेगा। लखीमपुर की घटना दिल दहला देने वाली है। पक्ष प्रतिपक्ष किसी को भी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये एक दुखद अध्याय है। जानकारों की माने तो लखीमपुर पर राजनीतिक घमासान सिर्फ इसलिए मचा है क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है। कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को लगता है कि लखीमपुर खीरी की घटना से उसे राजनीतिक फायदा हो सकता है। इन पार्टियों को लेकर अपनी सियासी जमीन तैयार करने का एक बड़ा मौका हाथ लग गया है। वहीं हिंसा ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। कश्मीर में जब